वेलकम हुसैन दागीना वाला। वी यस सर। आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड मैट्राइसिस। हैव यू हर्ड ऑफ दिस चैप्टर ओके। बिफोर? यस सर। सुना है बेटा? हैव यू हर्ड ऑफ दिस चैप्टर? यस सर, सुना है। सुना सुना है है ना? सर। तो वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस चैप्टर। रिमेनिंग स्टूडेंट्स विल आई थिंक वी वर डूइंग दिस प्रॉब्लम। रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर वी वर वी ऑन दिस प्रॉब्लम? अफीफ, अफीफ सैयद। यस सर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। देखो, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज गिवन, दे वांट फाइंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? चेंज रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस? ऑर्डर ऑफ दिस इज व्हाट हुसैन? ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। देयर आर टू रोज। ओके सर। एंड देर आर थ्री कॉलम्स, तो टू बाई थ्री इज द ऑर्डर। ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग? रो को कॉलम बना देते, कॉलम को रो बना देते। तो ये जो फर्स्ट रो है दैट विल बिकम फर्स्ट कॉलम, एंड सेकेंड रो है इट विल बिकम सेकेंड कॉलम। दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ, एंड वॉट विल बी ऑर्डर बिकमिंग थ्री बाई टू, बिकॉज देर आर थ्री रोज एंड टू कॉलम्स। थ्री रोज एंड टू कॉलम्स, एंड एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? वापस से उसका भी ट्रांसपोज लो। मतलब क्या? जो कॉलम है दैट विल बिकम रो, और जो रो है दैट विल बिकम कॉलम। तो इट विल बिकम 5 3 1 2 -4 0। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ए। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज द सेम मैट्रिक्स, इज द सेम मैट्रिक्स। कुछ डाउट है तो मेरे को पूछो प्लीज। कोई भी डाउट है तो मुझे पूछो। माज माज मां शेख। यस सर। अंडरस्टूड बेटा? यस सर। ओके, तो विद दिस वी गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसके बाद का सिक्स्थ यू विल डू इज होमवर्क। कौन सा एमएलएम है? एक्सरसाइज। अरे हाँ, तुम्हारा एक्सरसाइज का नंबर 4.1 है ना? जस्ट चेक 4.1 में ये है प्रॉब्लम कि नहीं, प्लीज चेक। नंबर खाली इधर उधर किया है लोग ने। जीतू जीतू सर, जरा देख टेक्स्ट बुक में 4.1 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम था, पांच नंबर या कोई अलग नंबर? सर 4.4 में सिक्स क्वेश्चन में है ये। सर नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वापस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसा क्वेश्चन है उसके नेक्स्ट वाला। यस मैं बुक ले आऊंगा अभी। हाँ, दो होमवर्क लो उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क, जरा न्यू स्टूडेंट है उसको बताओ पेज नंबर क्या है। पेज नंबर हुसैन, इट्स ऑन पेज नंबर 83। या आई गॉट इट। मैक्स वन। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? सर क्वेश्चन सिक्स। ओके सर, क्वेश्चन सिक्स होमवर्क। ओके, लेट अस डू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर है। Find A, B, C if one B upon 5 A, then B minus 5 minus 7 and then minus 4 C 0 is a symmetric matrix. हमको ये ढूंढना है A, B और C, तीनों के वैल्यू ढूंढनी है इफ दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, नए बच्चे को मैं बताता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा। हुसैन ध्यान से सुनो, हुसैन। यस सर। ध्यान से सुनो, ये तीनों है ना एलिमेंट कैन बी डिफरेंट। सपोज 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये जो होता है ना वही ये होता है, ये जो होता है वही ये होता है, और जो ये होता है वो ये होता है। ये सेम होनी चाहिए, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ऑलराइट, जैसे इसका ट्रांसपोज, ओके सर, ट्रांसपोज विल रिमेन द सेम ओनली. देखो इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, इसका ट्रांसपोज वापस से यही आएगा, ए ए बी, ए बी सी और बी सी सी. तो ऐसा देखेंगे ना तो ये ट्रांसपोज सेम हो जाता है. या जैसे ए वन ए वन, बी वन बी वन, सी वन सी वन, ऐसा. ऑलराइट, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज. Transpose matrix is a matrix if A equal to A transpose. तुमने एक लेक्चर मिस किया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, तो A के बदले यहाँ पे लिखता हूं मैं, और A transpose, इसका transpose मैं यहाँ लिखूंगा. तो पहले A क्या दिया है, 1 3/5 A, B माइनस, एक्चुअली ओरली दिखता है, देखो B is 3/5, A is -4 एंड C is -7. ओरली यू कैन डू, बट वो लोग बोलेंगे ना कुछ स्टेप करके बताओ, तो स्टेप के लिए मुझे करना पड़ रहा है. यहाँ पे सीधा आंसर है, बी इज व्हाट, बी इज 3/5, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ए इज व्हाट -4, सी इज व्हाट -7, खत्म. सो -4 c 0, और इसका ट्रांसपोज लो यहाँ पे, तो 1 b -4, 3/5 -5 एंड सी ए -7 0. Therefore, by equality of matrices, all corresponding elements should be equal. Can you see this is 1, this is 1. Alright. So tell me, what is B equal to? B equal to kya hoga? Dekho, ye aur ye. Dono compare karo. What is B equal to? Bolo, bolo. 3/5. Okay, what is A equal to? -4. And tell me, what is C equal to? I think C is there, either -7. C equal to? -7. -7. Tell us. Tell us, 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 I hope that is very simple. Isn't it very simple? Do you want me to repeat again? Yes. Yes, sir. Is there any need to repeat? Ek baar aur repeat karun kya? No. Maaz, maaz, oh, om. Sir. Okay. Iske baad, let us do the next. Iske baad ka jo hai, is a skew symmetric matrix. Before going to skew symmetric matrix, naye bachche ko मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ. हुसैन, हुसैन, यस सर, ध्यान से सुनो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. देखो एकदम एग्जांपल देता हूँ, उससे पता चल जाएगा. डायगोनल एलिमेंट इसको बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट ये तीन है ना, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट. ये तीनों जीरो होना कंपलसरी, नंबर वन, ये तीनों का जीरो होना कंपलसरी. फिर यहाँ पे अगर एक्स, तो दिस विल बी -x, ये y, तो दिस विल बी -1, ये मतलब इन दोनों का साइन खाली अलग अलग होना चाहिए. इसमें फर्क ये है कि तीनों जीरो होना कंपलसरी, क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये तीनों जीरो होना कंपलसरी, और ये जो एलिमेंट है ना ये नेगेटिव साइन में, बस नेगेटिव साइन. हाँ, इसको बोलते हैं कैसे मालूम है, इसको बोलते हैं a इक्वल टू माइनस ऑफ a ट्रांसपोज. मतलब ये कंडीशन है, a इक्वल टू a ट्रांसपोज सिमेट्रिक, बट a इक्वल टू माइनस a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक. अगर a इज माइनस ऑफ a ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज इक्वल है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक. सिमेट्रिक यहाँ पे देखो, ओरली आंसर दे देंगे हम लोग, फिर मेथड से करेंगे उसको, और आंसर ओरल होगा अपना. देखो, फाइंड एक्स वाई जेड, फाइंड एक्स वाई जेड इफ, जीरो माइनस 5 y x, then y 0 z, and 3/2 -2 -√2 0 is the skew symmetric matrix. Is a skew symmetric matrix.
देखो ओरली आंसर में बताएगा व्हाट विल बी वाई का आंसर ओरली ओरली माइनस वाई का आंसर माइनस फाइव क्या बोला क्या माइनस फाइव वेरी बैड फाइव आई अच्छा फाइव व्हाट अबाउट एक्स का आंसर माइनस थ्री बाय टू दैट इज राइट व्हाट अबाउट जेड का आंसर रूट टू बस खत्म दिस इज द आंसर बट यू टू डू बाय मेथड सो therefore a equal to minus of a transpose a 0 minus pi I x minus of a transpose transpose 0 y 3 by 2 मतलब first column will become first row that minus pi y 0 minus root 2 and then x z 0 अब क्या करो अब ये माइनस साइन को अंदर घुसा दो हर एक टर्म का साइन चेंज करो माइनस यानी वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 विद ईच एंड एवरी टर्म विद ईच एंड एवरी टर्म सो व्हाट विल आई गेट 0 minus y minus 3 by 2 5 by 0 root 2 and then this will be minus x minus z 0. Now compare. Therefore by equality, matlab ye dono ko compare karna hai, just send this. Comparing. Tell me, what is minus y equal to? Comparing, what is minus y equal to? It's so minus 5y. Minus 5y. Can you cancel minus minus on both sides? And therefore y equal to 5i. And you know that 5i should be. Okay. Then baad mein, aa jao kidhar. Okay. Kidhar aayenge minus x equal to 3 by 2. Therefore, what is x equal to? माइनस रूट टू माइनस रूट ये रहा आंसर अरे हुसैन दागिना वाला हुसैन yes, सर समझ आया yes, ना बेटा ओके गुड सर ओके वेरी गुड बेटा मैंने कुछ ऐसा लिया कि शायद तुमको समझ में आएगा पूरा का पूरा यस सर नाइन्थ का है ना हम लोग वही एक करते हैं इन द नेक्स्ट इज देयर 1 2 3 सम्स हैं जीतू उसके नेक्स्ट में तीन सम है क्या 1 2 3 तो हम लोग कौन सा करें चलो एक सम करते थ्री वाला करते थर्ड बोल रहे थर्ड वाला करते हैं ऐसा लिखो वो लोग ने पूछा है कि भाई ये जो तीनों मैट्रिक्स दी हुई है वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक तो लेट अस सी थर्ड वाले में तो साफ साफ दिखता है यार चलो फिर भी चेक करेंगे हम लोग देखो लेट ए इक्वल टू क्या है जीरो वन प्लस टू वाई प्लस टू आई एंड वन आई माइनस टू ये आई क्या होता है तुमको पता नहीं है ना अभी तक नहीं आई मालूम है शायद कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है ना अपना ओ प्यारे बच्चों यस सर अफीफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है ना यस सर आई इज आई का चिंता मत करो आई क्या है न्यू नंबर भी लगती है ये तो टू माइनस आई
बोलते ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है, एक्चुअली ओरली दिखता है, देखो ये तीनों जीरो, वन प्लस टू वाई इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट ये रहा, इसका अपोजिट ये रहा, इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वी हैव टू शो सम कैलकुलेशन. व्हाट इज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, कॉलम को रो में कन्वर्ट करो, जो भी एक चीज करना है. लेट्स कन्वर्ट कॉलम इनटू रो. तो जीरो एंड देन and therefore what is minus of a transpose, minus of hisab karo, oh minus 1 minus 2y 0 minus 7 then 2 minus I 7 0 and therefore minus of a transpose equal to this will become 1 plus 2i, this will become I minus 2, minus 1 minus 2i, minus 7, 2 minus I, 7, 0. Then check karo. मैंने मिस्टेक किया, जीरो माइनस वन माइनस टू, therefore is a skew symmetry. मैं रूलर मार देता हूँ एक बार, so that you will understand. सभी ने कॉपी कर लिया, फिर बाद में मैं रूलर मारना चाहता हूँ. कॉपी किया सभी ने? यस. हुसैन कॉपी किया? यस आई एम डूइंग. हुसैन आर डूइंग इट. ओके. ओम 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 मिस्त्री. यस सर. कॉपी कर लिया या बाकी है? यस सर. देखो हमको बोला था कि ये चेक करो, ये वाला मैट्रिक, ये वाला मैट्रिक सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक. तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रांसपोज निकाला. दिस कॉलम इज बिकमिंग रो, दिस कॉलम इज बिकमिंग रो, दिस कॉलम इज बिकमिंग रो. फिर हमने क्या किया, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज किया. माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज मीन माइनस ऑफ दिस. तो माइनस ऑफ ये देखो एज इट इज, ये इतना उठा के यहाँ पे रख दिया और फिर माइनस आया मल्टीप्लाइड बाई ईच एंड एवरी टर्म. तो जब मल्टी करता हूँ अंदर ईच एंड एवरी टर्म से तो मालूम पड़ता है ये जो मैट्रिक्स है इट इज सेम एज ए. दैट मींस ए इज सेम एज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज व्हिच इज प्रॉपर्टी ऑफ, व्हिच इज प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ, दैट इज राइट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. खलास. और वन और टू होमवर्क करना, वन और टू ये मैंने थ्री किया है. नंबर वन सब टाइटल, नंबर वन और नंबर टू होमवर्क करना है. आपको जगह छोड़ दी है, जगह छोड़ दी है वहां पे, और इतना स्पेस ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा. तो यू कैन ऑलवेज लीव स्पेस, और कभी भी स्पेस खाली रहता है तो अपने को पता चलता है वी हैव टू डू समथिंग. अभी अगला समय, ये शायद तुम लोगों को आया नहीं था, मिटा दो इसको.
Yes, इसको मिटाऊं कि नहीं अभी भी ओके यस सर ओके ओके इसके बाद में लिखो कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए इक्वल टू A i j 3 by 3 where A i j equal to I minus j. ये तो आपको आता है, बहुत easy है. And state whether A is symmetric or skew symmetric. मैं ना 2 मिनट लूंगा खाली 2 मिनट फॉर हुसैन दागीना वाला तो ही विल अंडरस्टैंड ये ए आई जे का लफड़ा क्या है. हुसैन हुसैन यस सर प्लीज गिव फुल अटेंशन टू व्हाट आई एम डूइंग हियर. देखो जो मैट्रिक्स होते हैं ना वो तो देख लिया आपने, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स उसको रहते हैं तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स. यहाँ पे जनरल मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3. सपोज 3 by 3 यानी क्या हुसैन? What is the meaning of 3 by 3? 3 columns and 3 rows. That is right. कभी भी row पहले बोलने का. क्या बोलोगे? पहले 3? 3 rows and 3 columns. That is right. तो ये जो है ना, ये सब होते हैं ना, ये अंदर, ये सब होते हैं element. क्या होते हैं ये सब? Element. मैंने एक लिखा है, but I am going to change it soon. ये सब element होते हैं. तो इसको बोलते हैं A11. A11 यानी क्या मालूम है? It is in the first row and first column. Can you tell me what must be name of this Hussein? इसका नाम क्या होगा? पहले row बाद में column. जैसे 1 1 तो इसका नाम क्या होगा इस वाले? A 2 3 A 2 3. Lovely, lovely, very good. A 2 3 माने second row and third column. तो ये आपको समझ 1 2 then 1 3 then 2 1 then 2 2. 3 1 3 2 3 3. ये एक्चुअली जनरल हो गया. इसको है ना ए आई जे करके बोलते हैं, ए आई जे. जैसे अगर इसको लेंगे तो इसका आई विल बी 3 एंड जे विल बी 2. ए 3 2. नाउ यू अंडरस्टूड? ए 3 1 होता है तो क्या होता है? आई वुड हैव बीन 3, जे वुड हैव बीन 1. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दिया है? ए आई जे 3 by 3, मतलब हमको ये हमारा 3 by 3 यानी ये वाला मैट्रिक्स ए आई जे यानी ये वाला मैट्रिक्स. तो हम लोग को बोला है ए आई जे बनाओ, ए आई जे इज आई माइनस जे. तो टेल मी व्हाट इज ए 1 1 विल बी 1 - 1. व्हाट इज ए 1 2 विल बी 1 - 2. व्हाट विल बी ए 1 3 1 - 3. व्हाट विल बी ए 2 1 2 - 1. व्हाट विल बी ए 2 2 2 - 2. व्हाट विल बी ए 2 3 A 2 3 2 - 3. व्हाट विल बी ए 3 1 3 2 3 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
टेस्ट वाला प्रॉब्लम किया नहीं था तुमने? यस सर, नाउ आई अंडरस्टूड. हाँ ओके. One minus one is zero. One minus two is minus one. Minus two, one, zero, minus one. ठीक क्या होगा?
2, 1, 0. तो यहाँ पे अभी a11 0, a12 -1, a13 2, -2, a21 1 0, then -1, then क्या होगा ये? ओरली बताओ, ओरली कौन सा मैट्रिक्स है? ये ओरली बताओ, विल यू बी एबल टू डू द रेस्ट पार्ट ऑफ होमवर्क? ए ट्रांसपोज करने का लेगा, फिर माइनस ए ट्रांसपोज करने का, एंड बोलने का देखो माइनस ए ट्रांसपोज इज सेम एज ए, देयरफॉर इट्स गिवन मैट्रिक्स ए बिकम्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यू विल डू एज होमवर्क और यू वांट मी टू डू? मैं कर दूं क्या? यू विल डू? ओके चलो, जगह छोड़ो, जगह छोड़ो, जगह छोड़ो, जगह छोड़ दो. और इसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ऐसा लिखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, टू मैट्रिसेस. और ये जगह छोड़ने के बाद आपको लिखना है देयरफॉर is a skew symmetric matrix. एक बार रूलर मारू क्या? माज, ओम, माज एंड ओम. नो सर. ओके अभी लिखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एनीबडी कैन टेल मी फ्रॉम योर ओन जजमेंट टू मैट्रिसेस कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड ओनली एंड ओनली इफ दे आर ऑफ एनीवन same order. That is right. Best answer. For example, you know, you cannot add 1, 2, 3, 4 with 1, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 6, 8, 9, 1. इसको ऐड करना इम्पॉसिबल. 2 by 2 बोले ये दोनों को किससे पॉसिबल. तो ऐसा लिखो, एक लाइन लिखो पहले, इसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन. Addition or subtraction of two matrices are possible only if the matrix or only if the matrices are of the same order. Only if the matrices are of the same order. Okay. मैं आपको एकदम सिंपल मैं प्रॉब्लम से इतना वो लिखाने के बदले आई डू अ प्रॉब्लम. सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स ए, यू विल अंडरस्टैंड फास्ट, अदरवाइज यू नो ये a1 b1 c1 को शुरू करने में 2 -5 6 and 8, एंड सपोज b इज लेट्स से 0 6 -5 and 9. A plus B will be equal to this plus this. यानी कि 2 -5 6 8. एकदम बच्चे जैसा है, बच्चे जैसा प्रॉब्लम है. ऐसा मैट्रिसेस इवन 9th 10th वालों को, बच्चों को सिखा सकते हैं हम लोग.
So this we had in 10th. Oh, lovely. इसपे क्या करना है? इसका corresponding element ये. इसका corresponding element ये. तो just go on adding the corresponding element. So here you'll write 2 plus 0. Here you'll write minus 5 plus 6. Here you'll write 6 plus minus 5. इधर लिखेंगे 8 plus 9. And that is equal to what, you know? 2 plus 0 will be 2. Minus 5 plus 6 will be 1. Then 6 minus 5 will be 1. No, or that will be Satro. Satro. This is the answer. It has B. Just you have to do the addition of corresponding element. Pehle copy kar lo. Ye copy kar lo. कुछ डाउट है ना बिंदास क्वेश्चन पूछने का मेरे को स्टॉप करने का और पूछने का सर हाउ दिस हाउ दैट बट आई एम स्टिल यू नो लिटिल डिससैटिस्फाइड इन प्रोजेक्टाइल मोशन स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन जो कर रहा था मैं उसमें ux uy ax ay एक्सेलरेशन प्लीज यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग दैट और अंडरस्टैंडिंग कब बेस्ट होती है मालूम है व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन सर हाउ व्हाई डू यू डू दिस व्हाई यू डिड दैट वो कोई पूछ नहीं रहा है मेरे को ओके नाउ ए अभी कॉपी यस ओके अभी मैं ए माइनस बी अगला तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तुम लोग को बोलूंगा वैसा ही करना है अभी आई वांट टू डू ए माइनस बी ए माइनस बी है This minus, there are various ways of doing. कुछ में two minus zero लिखना पसंद करते हैं, but you know, you can do this way also. Plus और minus को अंदर ले जाओ. ये है two. Minus को अंदर ले जाओ, तो two to zero, minus six by minus nine, and just go on adding. Two plus zero. माइनस सब क्या प्लस 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 करने का ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इच एंड एवरी सेल से दिस माइनस विल गो इनसाइड एंड देन इट विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम आई लीव सम मिस्टेक आल्सो सो दैट स्टूडेंट विल टेल मी नो सर यू हैव डन दिस रॉन्ग तो भी मेरे को पता चलेगा इधर इट्स माइनस वन ओके और कुछ एट माइनस नाइन हाँ और कुछ सो डेट अप वन माइनस इलेवन माइनस इलेवन दैट इज राइट ऐसा बोलो मेरे को मैं मिस्टेक करूंगा पर्पसली टू सी दैट स्टूडेंट्स आर ब्लाइंडली कॉपिंग और दे आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग की सर ने मिस्टेक किया चलो बोलो सर को और मेरा राइट होगा और मिस्टेक बोलोगे तो भी मेरे को चलेगा कि स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग कि ध्यान रख रहे हैं मेरा राइट लिखा मैंने उसके बाद में भी तुम मेरे को बोलते ना सर रॉन्ग 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 आई वुड अप्रिशिएट सर स्टूडेंट एट लीस्ट दे आर इन द क्लास एंड दे आर टेकिंग पार्ट सर 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 और क्या मिस्टेक है बताओ सर 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 कोई बोल ही नहीं रहा है उनको लगता है टू इंटू जीरो ऐसी मिस्टेक्स होती है मालूम है चैप्टर बहुत इजी लगता है अंदर ऐसी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती है कि यू नेवर नो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ईच एंड एवरी टर्म लिखते टाइम कॉन्सेंट्रेशन अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग शुड बी देयर बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ओके इसके बाद में जस्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन तो तुमने निकाला नहीं था मैंने नहीं डाला है तो तुम हमेशा बैंक ऐसे थोड़ी डाल देती हो राइट साइड में भी होगा हाँ हो गया
फिर टाइटल लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन. पहले लिखो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव. यू नो कम्यूटेटिव मतलब क्या? यू कैन इंटरचेंज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. वी कैन इंटरचेंज. असोसिएटिव मैट्रिक्स एडिशन इज असोसिएटिव. ये ना मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये असोसिएटिव ये तो बहुत इजी है, लेकिन यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. ये इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असोसिएटिव. ऑलराइट, रिमेंबर नल मैट्रिक्स खाली ध्यान रखना ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए. वेयर what is the null matrix? Oh, Afif. Afif, what is null matrix? Sir, the matrix in which there is zero. There is zero. What zero? No, I don't like this. There is zero. So matrix whose all elements are element zero. That is right, Jitu, you are right. Each and every element is zero. Need not be a square matrix. Any matrix. 2 by 3 हो सकता है, 4 by 2 हो सकता है, 8 by अपने सिलेबस में सिर्फ 2 by 2. For every matrix, A, there exist matrix minus A. Such that anybody can tell me what will I get here? Kya milega yahan pe? Sir, null matrix. That is right. Very good. ये एडिशन पूछेगा नहीं, बट यू शुड जस्ट नो इट. इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज का बच्चे, ओ बच्चे जीतू, नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? शो दैट ए प्लस बी टू बी प्लस ए है. यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? सो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. हाँ, तो वो वाला अपन फर्स्ट पकड़ते हैं, सेकंड यू विल डू एज होमवर्क. दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट खाली चेंज हो रहा है. चलो वो प्रॉब्लम कॉपी करो वाला प्रॉब्लम सब लोग टेक्स्ट बुक से. यही है ना बेटा, जरा बोलना जीतू, यही है 2 माइनस 3? Yes, sir.